नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गया है। आजकल घरों में, बाइकों में, स्कूटी में और कार में सांप निकल रहे हैं। सावधान रहने की जरूरत है। एक कोबरा सांप आप देख रहे हैं फोटो में, यह बहुत खतरनाक होता है और यह जिद्दी सांप होता है। इसका काटा मुश्किल से बच पाता है। यह या इस तरह के सांप कभी भी किसी के घर में निकल सकते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सांप मैदान छोड़ के नहीं भागता। आपको सपेरे को बुलाना होगा और उस पर नजर रखनी। यदि ये सांप घर में निकल आए तो आप इसे मारने का प्रयास ना करें। दरवाजा बंद कर दें और जो जिस रास्तों से सांप निकल सकता है उन सभी रास्तों को भी बंद कर दें। तत्काल सपेरे को बुलाएं। सपेरे लोग माहिर होते हैं, वो आसानी से इनको पकड़ लेते हैं और आपको सांप के चंगुल से बचा सकते हैं। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जगह जगह रास्ते में भी, सवारी में भी विभिन्न प्रकार के सांप निकलते हैं। आइए देखें, ऐसा ही एक सांप कन्नौज में निकला। देखो, कन्नौज में एक पुलिसकर्मी महिला कांस्टेबल की स्कूटी में कोबरा सांप घुस गया। देखें यह लाइव वीडियो, किस तरह से इस कोबरा सांप को महिला पुलिसकर्मी की स्कूटी से निकाला जा रहा है। देखें, स्कूटी का ये सामने का ढक्कन है, हैंडल के नीचे का, और इसमें कोबरा सांप है। यह काला सांप खतरनाक है। लाठी से देखो पकड़ रखा है और ये भाग नहीं रहा, खड़ा हुआ है अपनी जिद पर। इस सांप की यह विशेषता होती है कि ये डर के भागता नहीं है। लाठी से हिलाने डुलाने पर ये बिल्कुल अड़कर खड़ा हो जाता है। किस तरह से इसको पकड़ा है सपेरे ने, देखिए, इसके मुंह को दबा लिया है और मुंह को दबाने पर ये हमला नहीं कर सकता, डस नहीं सकता और इसको धीरे धीरे पकड़ करके स्कूटी में फंसा हुआ है। आप देख रहे हैं वीडियो में, और इसको बड़ी सावधानी से यह सपेरा जो सांप को पकड़ने का सिद्धहस्त है और किस तरह से इसको पकड़ के इसने अपने काबू में कर दिया है और इसको स्कूटी से बाहर निकाल लिया है। दोस्तों, यह काले सांप की कहानी थी। अक्सर पीले और घोड़ा पछाड़ सांप भी निकलते रहते हैं, वो सांप भाग जाते हैं, उनको पकड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन काला नाग, जिसे कोबरा कहते हैं, यह सांप भागता नहीं है और फन तान कर खड़ा हो जाता है और आसानी से इसको जो सपेरे हैं या जो सांप पकड़ने वाले लोग हैं काबू में कर सकते हैं। बस आपको सावधानी ये करनी होगी कि उस पर नज़र बनाए रखनी होगी कि वह स्थान छोड़कर कहीं दूर न चलाए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ।